जेंट वाला को ट्वेल्थ का स्टूडेंट ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट्स ओके एज यू नो चैप्टर नंबर 2 आर रनिंग चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स है हमारा ठीक है हायर प्लांट्स में किस प्रकार से हमको रिप्रोडक्शन क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो फ्लावरिंग प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और जनरली जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स मींस हायर प्लांट्स ओके हायर प्लांट्स में ही क्या होते हैं फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और मेल एंड फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है तो यस्टरडे वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर Yesterday we study about the structure of the flower and parts of the sex organs. Okay, ये हमने study किया था, ठीक? And today we study about the steps of sexual reproduction. तो sexual reproduction होता है, उसमें कौन-कौन सी steps जो है कौन शामिल की गई हैं, या कौन-कौन सी steps के according आएगी, वो हमें आपने देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ clear हो जाए कि प्लांट्स किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट आउटलाइन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेप्स ठीक है तो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस डोंट कंफ्यूज इन नेम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस सिंपली पोलन ग्रेन्स ओके पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन एंड मेगास्पोरोजेनेसिस मींस एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ओके एम्ब्रियो सैक इट इज अ मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर ठीक है तो माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन मींस माइक्रो पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन मींस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज अ मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोरोजेनेसिस means embryo sac formation embryo sac is a female gametophyte okay second step is pollination pollination ke according kya hoga jo pollen grains hote hain pollen grains anther mein se bahar nikalte hain jo hai ud karke stigma par jaate hain theek hai to reach the pollen grains on the stigma it is called pollination okay ise pollination kehenge it is a simple process As you know, next development of the male and female gametophyte. Development of the female and female gametophyte के according जो male gametophyte है, male gametophyte का development कब होगा? जब after pollination, pollen grains stigma पे पहुंच जाता है। तो pollen grains का stigma पे पहुंचने के बाद, stigma पर pollen grains के अंदर जो है क्या होता है सेल डिवीजन होता है और उसका आगे क्या होता है डेवलपमेंट होता है ठीक है तो ये होगा स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स पहुंच जाता है तो उसका डेवलपमेंट पोलन स्टिग्मा के ऊपर होगा और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है ये ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर होता है और इसमें जो है ये मेगास्पोर बनता है मतलब पोलन जो है मेगास्पोर बनता है मतलब एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है किस प्रकार से डेवलप होता है ये हम इसमें स्टडी करते हैं ओके नेक्स्ट है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस 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 मतलब कि जो मेगास्पोर्स होता है मेगास्पोर्स पर किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर्स का जो है मेगास्पोर्स के अंदर किस प्रकार से न्यूक्लियसिस बनते हैं ओके ये मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो 8 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बनते हो किस प्रकार से बनेंगे ठीक है जो है वो किस प्रकार से फीमेल गैमेट बनेगा वो सभी क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस होता है ठीक है इसमें ओव्यूल जो है वो एक जो होता है फीमेल न्यूक्लियस वो इसमें बनता है और साथ ही साथ जो है टोटल 8 न्यूक्लियस बनते हैं वो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है बनते हैं ठीक है ये होगा तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे इसको ठीक है मेगास्पोर मींस फीमेल गैमेटोफाइट का बनना या फीमेल गैमेट्स का किस प्रकार से पूरी तरह से बन जाना वो होगा इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है लास्ट फिफ्थ स्टेप इट इज अ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है आफ्टर जब क्या था आफ्टर
पोलिनेशन, जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन चला जाता है तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जाने के बाद पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, लेकिन पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है और दो मेल न्यूक्लियट न्यूक्लियस बन जाते हैं और पोलन ट्यूब बनते हैं। तो पोलन ट्यूब का स्टिग्मा के ऊपर बनना और स्टाइल के अंदर जाना, उसमें जो दो मेल न्यूक्लियस होते हैं वो दो मेल न्यूक्लियस जो है मेगास्पोर के अंदर जा करके फीमेल न्यूक्लियस से मिलता है। तो एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल न्यूक्लियस से मिलेगा और दूसरा मेल न्यूक्लियस जो होता है पोलर न्यूक्लियस से मिलता है। इस प्रकार से मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का आपस में मिलना इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ओके, और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट होता है लास्ट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो में क्या होता है, जब एम्ब्रियो बन जाता है जायगोट के बनने के बाद क्या होता है, आगे उसका डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो बनता है। ओके, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है उसे कहेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद जो होता है किस प्रकार से उसमें कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, तो इस प्रकार जो स्टेप है 1 से लेकर के जो 6 स्टेप है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, तो जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड स्टडी अबाउट दिस टॉपिक टुडे। जय हिंद।